दोस्तों, अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अगर आप सभी सीएससी के माध्यम से डीजीपे को चलाते हैं, डीजीपे के माध्यम से कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, ये सभी काम करते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। सीएससी के माध्यम से इस प्रकार का एक सभी बीएलई को फॉर्मेट दिया गया है। अब इस फॉर्मेट को कैसे तैयार करना है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सभी सीएससी बीएलई को, जितने भी सीएससी बीएलई जो कि डीजीपे चलाते हैं, उन सभी को सीएससी डीजीपे डायरी को मेंटेन करना जरूरी है। अब सीएससी डीजीपे डायरी आप सभी कैसे बनाएंगे और अगर नहीं बनाते हैं तो इसके क्या नुकसान है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि सभी सीएससी बीएलई को डीजीपे चलाना मैंडेटरी कर दिया गया है सीएससी के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सीएससी के माध्यम से इस प्रकार का डीजीपे डायरी फॉर्मेट दिया गया है, जिसको कि सभी बीएलई को करना अनिवार्य है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो इससे क्या नुकसान है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए आप किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल कर देते हैं और उसको आप पेमेंट कर देते हैं और आप डायरी बनाते नहीं है, तो ऐसे में क्या है कि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने कस्टमर को पेमेंट दिया है। हालांकि आपके उसका जो कस्टमर का प्रूफ आपके पास रहेगा कि आपने उसका पैसा विड्रॉल किया है, कैश निकाला है, तो आपके सिस्टम में उसका पूरा डाटा रहेगा, लेकिन आपने जो कैश दिया है उसका प्रूफ आपके पास नहीं रहेगा। और ऐसे में कस्टमर आपके ऊपर आपका पैसा लेके आपके ऊपर उल्टा ऑब्जेक्शन लगा सकता है और आपको फंसा सकता है, जिससे कि आपको काफी ज्यादा बड़ी जो है रकम चुकानी पड़ सकती है। तो इसीलिए ये जो है सीएससी ने डीजीपे डायरी को सभी बीएलई को बनाने के लिए कहा है। जैसा कि आप सभी इस फॉर्मेट में देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है डीजीपे ग्राहक सेवा केंद्र जमा निकासी वितरण डायरी, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी कस्टमर का कैश विड्रॉल करते हैं या कैश डिपोजिट करते हैं, तो ऐसे में क्या है, जब भी आप उनका कोई भी कैश से लेन देन करेंगे डीजीपे का, तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स को मेंशन करना पड़ेगा और यहाँ पे कस्टमर का अंगूठा या सिग्नेचर लगवाना होगा, जिससे कि आपके पास जो प्रूफ होगा कि हमने जो है कस्टमर का पैसा अगर निकाला था तो हमने उसको कैश पैसा जो है कैश में उसको दिया है या उसका हमने ये काम किया है, तो उसका सिग्नेचर अथॉरिटी आपके पास रहेगा, तो आपके पास पूरा प्रूफ रहेगा, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बात कर लेते हैं यह फॉर्मेट आपको कैसे मिलेगा। यह फॉर्मेट आप सभी को हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं पे मैं आपको जो है फॉर्मेट प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे देख सकते हैं, आपको जो है मार्केट से एक बड़ा रजिस्टर ले लेना है, या आप चाहें तो नॉर्मल सी कॉपी भी ले सकते हैं और उसमें भी इस प्रकार का फॉर्मेट आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको इस प्रकार से लिखना है डीजीपी ग्राहक सेवा केंद्र जमा निकासी वितरण डायरी, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक साइड में दिनांक और यहाँ पे एक साइड में दिवस का नाम लिखना है, और इस प्रकार से आपको जो है फॉर्मेट तैयार करना है। यहाँ पे आपको जो है क्रम संख्या लिखनी है, यहाँ पे ग्राहक का नाम लिखना है, ग्राहक के बैंक का क्या नाम है वो आपको यहाँ लिखना है, ग्राहक की आधार संख्या यानी आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ पे आपको जो लेन देन संख्या है, जो आपका ट्रांजेक्शन आई डी होती है, ट्रांजेक्शन नंबर होता है, आरएन नंबर, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। कितना आपने धनराशि को निकाला है, जमा किया है, वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको ग्राहक के खाते का जो ग्राहक के जो हस्ताक्षर हैं, अंगूठे हैं, उनका निशान आपको यहाँ पे लेना है। अगर कस्टमर सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर करवाएंगे, अदरवाइज जो अंगूठा लगाता है तो आप अंगूठा लगवाएंगे। इससे क्या है कि आप भी सेफ रहेंगे और कस्टमर भी सेफ रहेगा, और इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आपका जो भी कन्फ्यूजन डाउट था हमने आपको क्लियर कर दिया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।